हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज यहाँ पर हम लाइव ट्रेडिंग करने का ट्राई करने वाले, मतलब आज जो भी मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड करने का ट्राई करने वाला हूँ। आज हमारे पास यहाँ पर बहुत ही अच्छे सेटअप से जो कि मैंने कल आपके साथ में शेयर की हुई है वहां पर हम ट्रेड करेंगे, या फिर दूसरे भी कुछ सेटअप से उस पर भी काम करने वाले, ठीक है ना। और मुझे आज पता नहीं कि आज हम यहाँ पर प्रॉफिट बनाने वाले या फिर लॉस बनाने वाले, पर अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं यहाँ पर श्योरली कह सकता हूँ कि आपको इससे कुछ तो सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी वजह से स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और यहाँ पर हम सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो एग्जैक्ट निफ्टी हमें बता रही है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रेंज में ओपन हो सकता है। इसी वजह से हमें लॉन्ग के भी ट्रेड्स मिल सकते हैं और शॉर्ट के भी ट्रेड्स मिल सकती है। अभी निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर है, अगर वो ब्रेक करेगा तो डाउन होगा, अगर अप जाएगा तो वो यहाँ पर से हमें अपसाइड में भी रैली दिख सकती है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है। अभी मार्केट ओपन हो जाएगा तो सीधा हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट की कमेंट्री देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अमर राजा बैटरी में एक बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग का सेटअप बन रहा है। कल मैंने जो आपके साथ में एनालिसिस शेयर की थी, जैसे कि टीसीएस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमारा भारत फोर्ज हो गया, वो गैप अप एंड गैप डाउन खुलने की वजह से मुझे कोई भी उसमें ट्रेड नहीं मिला, उसी वजह से सिंपल सा मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया। फिलहाल अभी यहाँ पर अमर राजा बैटरी में यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग का ट्रेड बन रहा है। मैं यहाँ पर एक मॉर्निंग में ट्रेड प्लान कर रहा था, पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फर्स्ट कैंडल जो है ये 15 मिनट का चार्ट है। फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बनी, ठीक है ना, यहाँ पर एंट्री कर कर हम कोई भी मतलब अच्छी एंट्री नहीं बनती। इसी वजह से मुझे ये चाहिए था, एक अच्छे सा गिरा, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट के बाद में फॉल, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फिलहाल बन रहा है और यहाँ पर हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मेरा एकदम सिंपल प्लान है, आप यहाँ पर देख सकती हो कि मैंने एंट्री इस वजह से भी नहीं करी कि ये कैंडल बहुत बड़ी थी। और अगर आप देखोगे तो हमारी जो ये मूविंग एवरेज है, ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है, तो मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ इसके आसपास लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जब प्राइस ट्रेड कर रही थी तब ये मूविंग एवरेज यहाँ पर थी, तो मूविंग एवरेज से बहुत दूर थी प्राइस, अभी बहुत पास आ चुकी है, ठीक है ना। तो अभी इस वाले स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। अभी मैं करूँ क्या करूंगा, सिंपल सा ये वाला जो टॉप है यहाँ से बॉटम तक यहाँ पर इस तरीके से फिबोनाची को लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर फिबोनाची को लगा देता हूँ, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फिबोनाची रेशोज आ रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट रेशोज होने वाला है 0.5, एंड देन अगर हम देखेंगे तो 0.618 तक अगर प्राइस आएगी तो ये बहुत ही अच्छा गोल्डन सेटअप बन जाएगा। यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर से रिजेक्ट हो रही है। अभी मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, ये 0.5 एंड 0.6 का रेशो यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि प्राइस कहाँ पर से रिजेक्ट करती है और मैं ट्रेड कब लूंगा। मैं यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लूंगा। अभी यहाँ पर मैं 3 मिनट के चार्ट पे आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर प्राइस स्लोली जा रही है। और मैं आपको यहाँ पर एक प्राइस एक्शन टेक्निक बताने वाला हूँ। अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांग है, अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर स्ट्रांगली गिर रही है, जब अपसाइड में जा रही है तो इस तरीके से कंसोलिडेट करती हुई जा रही है। सिमिलर वे में यहाँ पर से भी बहुत ही स्ट्रांगली गिरी, ऊपर जाते वक्त ये कंसोलिडेट करती जा रही है, मतलब यहाँ पर डाउन ट्रेंड चालू है, हमें यहाँ पर डाउन साइड में ही ट्रेड करना है, ठीक है ना। अभी सिंपल सा मैं क्या करूंगा, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 0.5 की रेशियो है, ठीक है ना। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ये है हमारा 0.5 एंड देन ये है हमारा यहाँ पर 0.6, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेशियोज होने वाले हैं, देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाती है। अगर 0.6 तक जाएगी तो ये सेटअप बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये यहीं पर से गिर जाती है तो मैं क्या करूंगा, एक तो ये जो स्ट्रक्चर है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसको ट्रेड करने को देखूंगा, या फिर अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, इस वाले सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दूंगा यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर रिटेस्ट एंड देन यहाँ पर से मैं स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हो सिंपल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा भी मौका बनेगा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर काइंड ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अभी इसका ब्रेकडाउन तो हो चुका है पर कोई भी स्ट्रांग कैंडल मुझे नहीं मिली, इसी वजह से ये वाली जो लेवल है, अगर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कंफर्मेशन के लिए लेके चलना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है ना। हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी वजह से ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूंगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट में रहेगा मेरा ये जो स्विंग आई है इसका 0.618, और अगर 0.618 ब्रेक हो जाता है तो ये वाला लो, ठीक है ना। तो ये दो टारगेट्स मेरे रहेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर से ब्रेकआउट कर पाता है
या फिर से इसके ऊपर चला जाता है। अगर फिर से ऊपर चला जाएगा तो ठीक है, हम देखेंगे कि 0.6 तक ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे और यहाँ पर से कोई रिवर्सल के साइन दिखाए, तो देखते हैं। हम यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाले, थोड़ा सा हम पूरे कंफर्मेशन के ट्रेड के साथ यहाँ पर ट्रेड लेने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं फिर से यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चलाता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेकआउट मिलता है या फिर नहीं मिलता। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, पर यहाँ पर वीक बन गई, यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हो गए होंगे, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने एंट्री ले ली होंगी, इसी की वजह से प्राइस फिर से यहाँ पर से ऊपर चला गया। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि प्राइस यहाँ पर किस तरह से बिहेव करता है, क्या यहाँ पर से फिर से नीचे आता है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने होंगे। लेट्स सी कि यहाँ पर प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। अगर ये यहाँ पर से नीचे आएगा फिर भी हमें ये वाला जो लेवल है इसके नीचे ब्रेकआउट होना जरूरी है, ठीक है ना, ब्रेकआउट कैंडल होना जरूरी है, और अगर वो ही होगी तो ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैप हुए हैं लोग उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ट्रैप हो सकते हैं। इसी वजह से एक अच्छा सा ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद में ही हम यहाँ पर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर से किस तरह से बिहेव करता है, अगर कोई एंट्री मिलती है तो मैं आपको यहाँ पर से अपडेट कर दूंगा। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो था ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पर हमने एंट्री अभी तक नहीं ली है। अभी सिंपल सा देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर 0.6 का ये लेवल मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है, 0.6 तक यहाँ पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर हमारे ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पर से रिजेक्ट हो रही है। अभी सिंपल सा हम क्या करेंगे, हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पर से थोड़ा सा प्राइस के हिसाब से हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो गई हमारी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, और ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन। तो आप यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी सिंपल सा हम इसके ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, यहाँ पर से अगर ये यहाँ पर से ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर से हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पर से हमारी शॉर्ट की एंट्री एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 2 बज चुके हैं यहाँ पर, और हमें थोड़ा सा देखते हैं कि हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है या फिर नहीं मिलती। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो श्योरली मैं यहाँ पर एंटर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो हाँ तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस ने बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लिया, जो कि हमने यहाँ पर बोला था यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, हमारा 0.618 का यहाँ पर फिबोनाची रेशो, प्लस ये प्रीवियस लो आप देख सकते हैं, प्लस ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसका भी यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो हमने बोला था जब प्राइस 0.5 पे थी तब मैंने बोला था कि अगर प्राइस यहाँ तक जाएगी 0.6 तक जाएगी तो बहुत ही अच्छा सेटअप बनेगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटअप बना, मैंने अभी यहाँ पर एंट्री भी कर ली है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल हुई है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ऑर्डर बुक भी देख सकते हो। और प्राइस अभी हमारे डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। अभी डाउनसाइड की अगर हम यहाँ पर टारगेट्स की बात करें तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम हमारे यहाँ पर एंट्री पोजीशन मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत बड़ा मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला हूँ। ये जो 0.5 का लेवल है इसके जस्ट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड मैं ये जो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे वेज पैटर्न का जो लो है यहाँ तक ट्राई करूंगा कि मैं प्रॉफिट बना सकूं। और अगर मैं थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ये 0.618 पे आएगी, ये 0.618 का जो लेवल है यहाँ पर, इस पर आएगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर से बहुत हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि यहाँ पर से प्राइस ऊपर बढ़े। क्योंकि थोड़ा सा आप यहाँ पर देख भी लीजिए, यहाँ पर आप देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल भी है और हमारा फिबोनाची का लेवल भी है, तो उसी तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये लेवल सिर्फ मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, अगर प्राइस यहाँ पर पहुंचती है तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा। और फिलहाल हमारा अभी यहाँ पर ब्रेक इवन पे और थोड़े से लॉस में पोजीशन चल रहा है, ठीक है ना। देखते हैं कि कैसा होता है, हमने पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस के साथ में ट्रेड लिया हुआ है, जैसे जैसे ट्रेड आगे जाएगा मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा लगभग यहाँ पर 50%, मतलब जो भी हमने 0.618 तक हमने टारगेट रखा था वो हिट हो चुका है। अभी यहाँ पर से ये वाला जो ट्रेड है मैं इसको रिस्क फ्री बनाने वाला हूँ, मतलब अपने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके लाने वाला हूँ। अभी इस वाले ट्रेड में कोई भी रिस्क नहीं है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि अभी यहाँ पर मार्केट क्लोज होने को आया है और मुझे अभी यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि एंड मोमेंट पे ये टर्न भी कर सकता है। और जिस तरीके से हमने प्लान किया था, ऐसे नहीं कि कोई इमोशन के बेसिस पर मैं यहाँ पर से स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन पे ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया था तब ये प्लान किया था कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है 0.618 है, तो
तो यहाँ पर आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाऊंगा। तो अभी मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ट्रेल कर रहा हूँ। अगर कैंडल यहाँ पर से फिर से रिवर्स मारती है तो ब्रेक इवन पे मैं इसको काट दूंगा, अदरवाइज अगर गिरता रहता है तो मैं इसको होल्ड करता रहूंगा। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल प्लान है, बहुत ही अच्छा सेटअप बना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसके गोल्डन सेटअप भी कह सकते हैं, बहुत ही यहाँ पर 0.618 बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ में हमने यहाँ पर एंट्री ली है, तो श्योरली वेट करेंगे। पर अभी इसको स्टॉप लॉस में यहाँ पर ब्रेक इवन पे ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस बहुत ही अच्छे से इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रही है, पर ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। देखते हैं कि अभी ये यहाँ पर से डाउन साइड में कंटिन्यू कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर मैं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर ये कैंडल इसके नीचे यहाँ पर आती है, इतना एग्रेसिवली मैं यहाँ पर ट्रेल कभी नहीं करता, पर अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एंड होने को आया है, इसी वजह से हमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी मतलब बहुत ही अच्छा मिल रहा है, लगभग अभी हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड एक बहुत ही अच्छी बात होती है, और उसमें से अगर मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ तो इसका मतलब 1:1.5 का हो गया। ठीक है ना, पर अगर ये मार्केट क्लोज नहीं होता तो मैं यहाँ पर एग्रेसिवली इतना ट्रेड नहीं करता, पर अभी मार्केट एंड होने को आया, इसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा हूँ, और ये कैंडल भी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट लगभग अभी क्लोज होने को ही आया है, हमें हमारे इंट्राडे के ऑर्डर जो है वो यहाँ पर वो स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ेगी, अदरवाइज ब्रोकर हमारे ऑर्डर स्क्वेयर ऑफ कर देगा। तो यहाँ पर मैंने अपने ऑर्डर यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ कर दिया, आप लगभग देख सकते हो कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, यहाँ पर आप मेरा स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। ठीक, डाउन साइड से यहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन भी आ रहा है, यस। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते कि बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अगर टाइम होता तो हम यहाँ पर 1:3 भी ले लेते और यहाँ पर से भी डाउन साइड में ट्रेल कर देते। मैं पूरा सेटअप फिर से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमने डिस्कस क्या किया था कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर से बहुत ही प्राइस नीचे अच्छे से गिर रही थी। तो ये कल मैंने एनालिसिस करके रखा था यहाँ पर ये वाले वेज पैटर्न का, कि इस वाले वेज पैटर्न को मैं यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ। पर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्लोज हुई और ये हमारी 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है इससे बहुत दूर थी। ठीक है ना, इसी वजह से प्राइस यहाँ पर से नीचे गिरी। सिंपल सा मैंने यहाँ पर वेट किया कि प्राइस पुल बैक ले ले, पुल बैक के लिए हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया और इस वाले सेटअप को ट्रेड करने का ट्राई किया। सिंपल सा फिर हमने क्या किया, मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले सेटअप को हमने यहाँ पर ट्रेड किया था, बहुत ही अच्छा सेटअप था। ठीक है ना, 0.618 पे प्राइस आ रही है, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन भी है, प्रीवियस लो भी है, इस वजह से बहुत ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा था। अभी आप लोगों को मतलब ये हो रहा होगा कि मैं हर बार पुल बैक पे एंट्री लेता हूँ, फिर मैंने यहाँ पर पुल बैक पे एंट्री क्यों नहीं ली। तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर रीजन बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंफर्मेशन अगर हम लेते रहेंगे तो हमें कोई भी एंट्री स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट जो कह सकते कि कंफर्मेशन मुझे चाहिए होते वो मुझे मिल गए। एक तो हमारे यहाँ पर फिबोनाची है, ये ट्रेंड लाइन है, ये प्रीवियस लो है, यहाँ पर जो फॉलिंग वेज है इसका ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और आपको कितने कंफर्मेशन चाहिए आप भी बताओ। ठीक है ना, इसी वजह से बहुत ज्यादा भी कंफर्मेशन नहीं, इसी वजह से जैसे इस वाले कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। आप अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही तेजी से यहाँ पर प्राइस गिर रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर गिरने वाली थी, ये मुझे पता था। क्यों पता था, क्योंकि प्राइस एक बहुत ही अच्छे से फ्लो में है, ये सिर्फ यहाँ पर पुल बैक ले रही थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं एंट्री मिस नहीं करना चाहता था। इस वाले सेटअप का मैं लगभग सुबह से वेट कर रहा था और मुझे लगभग 2 बजे यहाँ पर एंट्री मिल चुकी थी। ठीक है ना, इसी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पर पेशेंस भी जरूरी है, और जब भी अच्छे अच्छे हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स मिल जाए तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में यहाँ पर लेने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1:2 कोई बुरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, यस अगर टाइम होता तो हम यहाँ पर 1:3 भी ले लेते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी लगभग 3:10 पे हो गए और 3:10 पे हमें हमारी ऑर्डर सभी जो भी होती है वो स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ती है। ठीक है ना, इसी वजह से मैंने ये ट्रेड को ऑफ कर दिया है, मैंने अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, होप है कि तो आपको इस ट्रेड से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस ट्रेड से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।